अब हम पढ़ रहे हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर जो प्रोटीन काम में आते हैं उन प्रोटीन के बारे में, और जो हमारे आसपास के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। गेहूं के अंदर ग्लूटामिन या ग्लाइडिन नाम का, ये ऑप्शन में आ जाए तो गेहूं में ग्लाइडिन ये प्रोटीन टाइप का नाम होता है। इसी तरह से दाल के अंदर कौन सा जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है प्रोलेमीन। दाल में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है प्रोलेमीन। इसके अलावा कपास, कपास का नाम होता है गोसिपियम, कपास का नाम होता है गोस्पियम, गोस्पियम। इस गोस्पियम के अंदर अगर प्रोटीन का नाम आए लगभग गोसेपिन ये नाम होता है। और नेक्स्ट आता है बाल और नाखून। हमारे बाल और नाखून बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट है कि बाल और नाखून के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है। तो आप नाम याद रखना, किरेटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, किरेटीन। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, किरेटीन और काइटीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं साहब, किरेटीन और काइटीन। काइटीन क्या होता है? काइटीन एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड तो साहब आपने पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट होता है जो कवकों की कोशिका भित्ति पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन बाल और नाखून के अंदर जो किरेटीन किरेटीन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। आगे देखिए साहब, देखिए साहब, अब हम प्रोटीन के अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या कौन से प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड के अंदर अगर अपन ब्लड की बात करें तो ब्लड के कंपोजिशन को दो भागों में बांटते हैं। ब्लड के कंपोजिशन को दो कौन से भागों में बांटते हैं? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा आता है प्लाज्मा, दूसरा आता है ब्लड की सेल्स, कोशिकाएं, ब्लड की कोशिकाएं, सेल्स मतलब कोशिकाएं और प्लाज्मा। सेल्स के अंदर आपने कभी नाम सुना होगा, ब्लड के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? RBC, दूसरी होती है WBC और तीसरे नंबर पे आती है प्लेटिलेट। ये ब्लड के अंदर सेल्स होती है। लेकिन ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर अपन बात करें, प्लाज्मा के अंदर मेनली प्लाज्मा के अंदर एक होती है एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा के अंदर होती है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जल भी होता है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन, हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो हम इसी की डिस्कस करेंगे, एल्ब्यूमीन। दूसरे नंबर की प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन और तीसरे नंबर पे होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमीन क्या काम करती है साहब? एल्ब्यूमीन ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है, ट्रांसपोर्टर का काम करती है। एल्ब्यूमिन के बहुत सारे काम होते हैं। अगर एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड का एक ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, वो मेंटेन करती है। अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर इडिमा हो जाता है, शरीर सूज जाता है। लीवर, एल्ब्यूमिन का निर्माण लीवर से होता है, लीवर फेलियर पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। या किडनी के अंदर पेशेंट हो जाए जिसमें किडनी के अंदर एल्ब्यूमिन बाहर आ जाए, किडनी खराब हो जाए तो मूत्र से बाहर आ जाए तो एल्ब्यूमिन की कमी हो सकती है। इसी तरह से ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन से जो चीज़ें बनती है आप याद रखना, ग्लोब्यूलिन से आपने ये सुना होगा इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, या इसको ग्लोबिन भी कह सकते हैं, ग्लोब्यूलिन थोड़ा अलग टर्म है, ग्लोबिन। तो ग्लोबिन से इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है आपने सुना होगा, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन होती है एंटीबॉडी। अच्छा साहब, एंटीबॉडी तो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने में सहायता करती है, जो इम्यून सिस्टम बनाती है वो होती है एंटीबॉडी। नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन नाम से ही पता चलता है फाइबर। फाइबर क्या होता है? ब्लड में क्लोट बनाने, रक्त में थक्का जमाने, ब्लड क्लोट बनाने में सहायता करता है, ब्लड क्लोट जमाने में सहायता करता है। तो रक्त के अंदर अपने तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपने एल्ब्यूमिन जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, इसी तरह ग्लोबिन जो इम्यूनोग्लोबिन बनाती है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोट में सहायता करती है, दूसरी ये सेल्स होती है। इस सेल्स के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, ये RBC होती है। इस RBC के अंदर आपने सुना होगा हीमग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सब हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसे RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही RBC लाल रंग की होती है। इसलिए हीमोग्लोबिन को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन यहाँ पर एक प्रोटीन है, हीम और ग्लोबिन।
और लेकिन हीम क्या है, एक कलर सब्सटेंस है साहब, कलर सब्सटेंस है। यहाँ क्वेश्चन आता है साहब, हीम के अंदर क्या पाया जाता है, हीम के अंदर आयरन पाया जाता है। यहाँ पर आयरन कौन सी स्टेज के अंदर होता है, यहाँ पर आयरन जो Fe+2 स्टेज होती है इसको कहते हैं फेरस। तो यहाँ पर आयरन फेरस अवस्था के अंदर होता है। यह हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। एक कोशिका से दूसरी कोशिका ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन एक कलर प्रोटीन होती है, इसके लिए इसको क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस अवस्था में होता है, इसी तरह से एक मायोग्लोबिन भी होता है, एक होता है मायोग्लोबिन जो मसल्स के अंदर होता है, मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है। इस मायोग्लोबिन के अंदर क्वेश्चन आता है कि आयरन कौन सी स्टेज में होता है, इसमें आयरन होता है Fe+3। Fe+3 को हम कहते हैं फेरिक अवस्था, Fe+3 को हम कहते हैं फेरिक अवस्था, फेरिक स्टेज। ये चीज़ें हीमोग्लोबिन के बारे में पता होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन एक कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। देखिए सर, नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोटीन एंजाइम्स। हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं जो पाचन क्रिया करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते हैं, वो सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइमों का एक नाम और होता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, एंजाइम क्या होते हैं, इनको कहते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या हुआ, जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। यह जैविक क्रियाओं को, स्पीड को तेज करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आता है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक अपवाद है साहब, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट वो कौन सा है, अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अपवाद होता है, वो होता है राइबोजाइम। उस प्रोटीन का नाम होता है राइबोजाइम। तो साहब राइबोजाइम में क्या होता है, राइबोजाइम के अंदर होता है RNA। राइबोजाइम किससे मिलकर बना होता है, RNA। नेक्स्ट बात आती है साहब एंजाइम के एग्जांपल, जैसे एग्जांपल एमाइलेज। सब एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है, एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, किसका पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से एक और आता है एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन किसका पाचन करता है, पेप्सिन हम आगे पढ़ेंगे, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और ये पेप्सिन हमारे शरीर के अमाशय के अंदर पाया जाता है ना, स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर यह प्रेजेंट होता है। तीसरे नंबर पे आता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आंत के अंदर, आंत, छोटी आंत, ये आंत के जूस होता है, वहाँ पाचन होता है, वहाँ ट्रिप्सिन काम आता है। एक आप और याद रख सकते हो लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है, हम आगे पढ़ेंगे, लाइपेज पाचन करता है फैट का, फैट का यानी वसा का जो पाचन करता है वो लाइपेज होता है। तो ये सारी चीज़ें एंजाइम के बारे में, एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, राइबोजाइम इसका अपवाद होता है जिसमें आरएनए होते हैं, कुछ प्रोटीन के जो एंजाइम है उसके एग्जांपल, और उसके अंदर वो किसका पाचन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साहब, ये किसका पाचन करते हैं। देखिए साहब आगे की कड़ी के अंदर एंजाइम के बाद में हम कुछ प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल, ये संरचनात्मक प्रोटीन होती है, संरचनात्मक प्रोटीन। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं संरचनात्मक प्रोटीन के अंदर कि एक होता है, नाम सुना होगा एक्टिन, एक होता है मायोसिन, एक होता है कोलेजन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन संकुचनशील प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टल कॉन्ट्रैक्शन करने वाली प्रोटीन होती है, ये मेनली मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मसल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक होता है कोलेजन,
कोलेजन हमारे शरीर का जो आधार बेसिक मटेरियल होता है, संयोजी होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। हमारी स्किन के अंदर, डर्मिस के अंदर कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, हड्डियों के अंदर कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। हम इसे लिखते हैं संयोजी ऊतक, जो संरचनात्मक पार्ट बनाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, आप लोगों ने हार्मोन नाम सुना होगा छोटी क्लासों के अंदर। हार्मोन में आपने इंसुलिन तो जरूर सुना होगा, इंसुलिन जिसकी कमी से हम कहते हैं डायबिटीज जैसा रोग हो जाता है। लेकिन ये बहुत सारे हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन स्टीरोइड नेचर के होते हैं, है ना, कुछ हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ और तरह के। लेकिन इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, LH और FSH ये हार्मोन होते हैं, ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। इनको मेनली कहते हैं ये ग्लाइको प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप के भी होते हैं इनमें से कुछ। तो ये ध्यान रखना है कि ये हार्मोन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। आगे चलिए।